हेलो दोस्तों, हाई फाइव एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग आए थे अश्विनी अमृत तुल्य में चाय पीने के लिए, और भूख भी लग रही थी तो मैं और प्रखर भाई आए थे। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो हम लोग पूरा भींगते भींगते आए हुए हैं, और जल्दी उठ गए थे थोड़ा आज और सोचे कि निकला जाए फिर अंबिकापुर को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत तेज़ बारिश हुई है, अभी जस्ट रुकी है तो हम लोग निकले हुए हैं। और ये है अश्विनी अमृत तुल्य, और यहाँ पे चाय पीने आए थे लेकिन अभी मैगी भी खाएंगे, और प्रखर भाई मैगी बना रहे हैं तो आपको दिखाते हैं चल के अंदर। इधर थोड़ा अंधेरा है, इस तरफ थोड़ा लाइट है, और इंटीरियर भी काफ़ी सही है अंदर का। ये हैं प्रखर भाई जो कि मैगी बना रहे हैं। धोते हुए नहीं दिखाना है, जो धोएंगे नहीं तो फिर अच्छा इधर सैंडविच वगैरह नहीं बनाएंगे। ये बटर डल चुका है, क्या बात है। और इसे जा रहा है ये इधर मैगी, और ये तैयार हो रहा है। धीरे हो गए क्या? धीरे क्या नहीं, तोड़ दूं या फिर अभी एक तोड़ दे और एक ऐसे डाल दे, दो डालते हैं तो ऐसे रहने से सही रहता है। इसको ऐसे नॉर्मल डाल देना, पानी थोड़ा कम है, पानी और ढक ले जाए। ये है कंटेंट, अपन कंटेंट की तलाश में यहाँ पे सुबह सुबह निकले हैं। तो क्रिएटर जो है वो हमेशा कंटेंट खोजता है, और हम लोग कंटेंट खोजते खोजते सुबह सुबह यहाँ भी पहुँच गए और मैगी बना रहे हैं, और बहुत ही अलग टाइप का ब्लॉग है हमारे लिए। तो बटर की वजह से ना कलर नहीं पकड़ पा रहा है, ऐसा लग रहा है ना। अब पकड़ेगा। ये मैगी करीब करीब रेडी हो चुकी है, लेट है नहीं तो इसी से करेंगे। अच्छे से चला दे एक बार, भैया भी खा लेंगे। हल्का सा टेस्ट करने के लिए लिए थे, और मैगी रेडी हो चुकी है। कॉफी फास्ट हिसाब बराबर होना चाहिए, इसलिए भैया को बोले कि आप निकालो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कैसे प्रखर भैया अलाउ किया सुबह सुबह बनाने को, यही बहुत बड़ी बात है। वही ना, अलाउ करता है बताओ। सही बात है, ले ही कहाँ सैफ साहब यहाँ पे मैगी लेके आ रहे हैं, तैयार हो चुकी है। यहाँ 24/7 सर्विस रहता है मैगी का, सैंडविच का और चाय का भी। यहाँ चाय भी अवेलेबल है, अभी चाय भी पियेंगे हम लोग थोड़ी देर में, चाय पियेंगे अभी मैगी बस खा लेते हैं। तो ये है मैगी जो प्रखर भाई बनाए हैं, देखने में भी काफ़ी टेस्टी है, और टेस्ट भी किया तो अच्छा लगा। इधर भाई लगता है एक मिनट में सारी मैगी खा लेंगे आज। उम्मीद है कि अच्छा बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा यार, अच्छा अंबिकापुर स्ट्रीट फूडीज बनाए हैं, चढ़ाया जा रहा है मुझे। चाय भी आ चुकी है और मैगी भी ख़त्म हो चुका है, तो बैठ के चाय पियेंगे फिर घर निकलेंगे। ये अश्विनी अमृत तुल्य लिखा भी है, तो चाय का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी सही है। और यहाँ की खास बात ये है कि ये 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी आओगे तो आपको यहाँ पे चाय ज़रूर मिलेगी। मैगी तो हम लोग खुद से खुलवाए और खुद से बनाए और खाए, टेस्ट भी काफ़ी सही था। तो इसके साथ ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।